Hello everyone, welcome to Knowhere. तो गाइस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के पांचवें एपिसोड में आपका स्वागत है। पर गाइस वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं क्विक रिकैप कि पिछले एपिसोड में हमने देखा क्या। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गमोरा गार्डियंस के सभी मेंबर्स को सोल स्टोन के सोल वर्ल्ड के बारे में बताती है और तभी वहाँ रैप्टर्स गार्डियंस की शिप पर हमला कर देते हैं और वो उस शिप से एक एलियन की डेड बॉडी निकालते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। पर रॉकेट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तभी एक रैप्टर उस पर अपना पंजा मार देता है जिसपे जहर लगा होता है। पर रॉकेट वहाँ हार नहीं मानता और जाते जाते उस डेड बॉडी का हाथ ले आता है, जहाँ से निकलता है नेगा बैंड, जिसे देखकर सभी गार्डियंस के मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी रॉकेट की हालत खराब होने लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। सो आगे गार्डियंस की शिप में रॉकेट की हालत बद से बदतर हो रहा होता है, जहां पर रैप्टर के जहर के असर से रॉकेट खराब ही नहीं हो पाता। फिर भी ड्रेक्स उसका घाव भर देता है। पर तब वहां गमोरा आकर रॉकेट से कहती है, मैं इस शिप के इंजिन्स के बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ तुम ही हो जो इसे स्टार्ट कर सकता है। इस पर पीटर उससे कहता है, रहने दो गमोरा, ये तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और ऐसा कहकर पीटर नेगा बैंड पहन लेता है और वो वहाँ से चला जाता है रैप्टर्स को ढूंढने और उनसे उनके जहर का एंटीडोट लेने, जिससे वो रॉकेट की जान बचा सकेगा। फिर थोड़ी देर बाद ही पीटर रैप्टर्स की शिप ढूंढ लेता है और वो उनकी शिप पर घुस जाता है और वहाँ वो एक रैप्टर को मारता है और उसे कहता है, तुमने मेरे दोस्त को जो पॉइजन दिया है उस पॉइजन का मुझे एंटीडोट चाहिए और साथ ही वो दूसरा नेगा बैंड भी। और ऐसा कहकर वो रैप्टर के लीडर को एक पंच मार के उस शिप से बाहर फेंक देता है। पर वो रैप्टर के लीडर के पास जो नेगा बैंड होता है वो उसे पहन लेता है और फिर हमें स्टार लॉर्ड और उस रैप्टर के बीच एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है और वो दोनों लड़ते लड़ते एक सुनसान प्लेनेट की ओर पहुंच जाते हैं, जहां पीटर उस प्लेनेट पर गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से रॉकेट को दिखाया जाता है बुरी हालत में और गमोरा भी परेशान होती है क्योंकि उनके शिप में एक किल स्विच है जिसे रैप्टर्स ने लगाया है और उन्हें उस किल स्विच को डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो उनके शिप के इंजन स्टार्ट नहीं होंगे। सो इसलिए गमोरा वहाँ रॉकेट से पूछती है कि आखिर वो किल स्विच कहाँ हो सकता है। इस पर रॉकेट उससे इंजन्स के मेन पावर कंडक्ट में देखने को कहता है और फिर गमोरा मेन पावर कंडक्ट की ओर चली जाती है किल स्विच ढूंढने के लिए। पर उसे वहाँ वो किल स्विच नहीं मिलता है और रॉकेट की हालत और भी बदतर होने लगती है। फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं उस रैप्टर के लीडर को, जो कि बहुत ही तेजी से स्टार लॉर्ड की ओर बढ़ता है अपना फाइनल ब्लो मारने के लिए, पर उससे गलती हो जाती है और वो स्टार लॉर्ड के साइड में जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद वापस से वो दोनों अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, जहां पर वो रैप्टर स्टार लॉर्ड को जमीन पर गिरा देता है और फिर वो स्टार लॉर्ड से वो नेगा बैंड लेने को जाता है। पर तभी स्टार लॉर्ड अपने ट्रिक्स से उस रैप्टर के नेगा बैंड को ले लेता है और उस रैप्टर को हरा देता है। फिर वो उस रैप्टर को लेकर उसे उसके शिप पर ले जाता है, जहां पर उन दोनों के बीच एक डील होती है कि वो रैप्टर स्टार लॉर्ड को उस पॉइजन का एंटीडोट दे देगा, पर इसके बदले स्टार लॉर्ड को उसे दोनों नेगा बैंड देना होगा। और इस डील को स्टार लॉर्ड एग्री करता है, तो फिर वो रैप्टर स्टार लॉर्ड को वो एंटीडोट दे देता है, पर स्टार लॉर्ड उसे दोनों नेगा बैंड के बजाय सिर्फ एक नेगा बैंड ही देता है। इस पे वो रैप्टर उससे कहता है, उनकी बात तो दो नेगा बैंड की हुई थी। तो फिर स्टार लॉर्ड अपने नेगा बैंड से एक पोर्टल खोलता है और उस रैप्टर से कहता है, तुम्हें नेगा बैंड चाहिए तो आओ ले लो। और ऐसा कहकर वो उस नेगा बैंड को उस पोर्टल पर फेंक देता है, जिसे देखकर वो रैप्टर भी उस पोर्टल पर छलांग मारकर घुस जाता है और वो जाकर पहुंचता है ऐसे प्लेनेट में जिसे अल्ट्रॉन ने तबाह किया था, जहां कई सारे रोबोट ज़ॉम्बीज होते हैं, जिनमें से एक रोबोट ज़ॉम्बी के हाथ एक नेगा बैंड लग जाता है और तब वो सभी ज़ॉम्बीज वो दूसरा नेगा बैंड लेने के लिए उस रैप्टर की ओर बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड अपनी शिप पर पहुंच जाता है और वो भागा भागा रॉकेट को एंटीडोट देने जाता है, पर गमोरा अपने साथ रॉकेट को ले आती है और फिर पीटर रॉकेट को वो एंटीडोट इंजेक्ट कर देता है। और फिर वहीं हम देखते हैं कि गमोरा को वो किल स्विच भी मिल चुका होता है, जिसे ड्रेक्स डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर पीटर और गमोरा शिप के इंजन स्टार्ट करते हैं और वो ग्रैंड मास्टर के बेस की ओर रवाना हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और वापस से हमें उन ग्रूट जैसे क्रिएचर्स को दिखाया जाता है, जो कि उस नए प्लेनेट पर तबाही मचा रहे होते हैं और वहाँ के सभी लोगों को खाने लगते हैं। सो गाइस बस इतना ही, यहीं पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का पांचवा एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और ऐसे धमाकेदार कंटेंट के लिए नोवेयर को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।